नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24x7 नीलम बोध के साथ। और साथियों, आज हूँ मैं उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर गांव हिसोटी में, जहां पर के धम्पट ट्रस्ट के माध्यम से आज एक विशाल व भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें कि प्रथम चरण में जिस तरह से आप देख पा रहे होंगे कि पंचशील ध्वज के साथ में इस धम्म यात्रा की शुरुआत की जा रही है। और यहाँ पर आज दूर दराज से काफ़ी लोग आए और यहाँ पर अभी फिलहाल जो गांव के लोग हैं वो एकत्रित हुए हैं। सबके बारे में साथियों, मैं आपको बता दूं कि ये यात्रा लगभग 4 किलोमीटर से लेकर 5 किलोमीटर तक रहेगी और बीच में 3 गांव इस यात्रा के दौरान पड़ेंगे। उसके बाद हिसोटी गाँव है, हिसोटी गाँव में जाकर इस यात्रा का समापन होगा और उसके बाद में जो मंच है, मंच का कार्यक्रम होगा। अभी तैयारियां आप देख रहे हैं, जिस तरह से तैयारियां चल रही हैं, अभी जो रथ है उसको भी तैयार करने का काम किया जा रहा है और लोग अपनी बाइक के माध्यम से आप देख रहे हैं कि इस खूबसूरत मंजर, इस खूबसूरत हसीन पल का एक हिस्सा बने हैं, जो कि एक ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाएगा, क्योंकि इस तरह के कार्यक्रम साथियों हमें बहुत कम देखने को मिलते हैं। और आप देखिए, जिस तरह से आपके सामने जो बैनर है वो दिखाई दे रहा है, जिस पर लिखा है कि विश्व शांति निवारण अभियान, क्षमा करना सीखे, सहनशील बनिए, धैर्य रखिए, सब कुछ बदलने वाला है। बिल्कुल प्रकृति का नियम है, जो चीज़ आती है उसको कभी ना कभी तो इस दुनिया से जाना पड़ता है। तो देखिए, जिस तरह से लगातार मैंने आपको पूरा का पूरा ये कारवा दिखाया और मैं लगातार बात कर रही हूँ विश्व अशांति निवारण अभियान, क्योंकि लोगों के जहन में कहीं ना कहीं अशांति शब्द को लेकर एक शंका भी उत्पन्न होती है कि दुनिया शांति की बात करती है लेकिन धम्मपद ट्रस्ट अशांति की बात क्यों कर रहा है। तो सर, जानना चाहूँगी विश्व शांति निवारण अभियान के तहत जिस तरह से पूरा का पूरा ये बैनर हम देख रहे हैं, इसमें 4 महान जो हस्तियाँ हैं पूरे विश्व पटल पर अगर मैं बात करूँ तो उनकी आपने यहाँ पर जो छायाचित्र लगाई है धम्मपद ट्रस्ट ने, तो सर इन तस्वीरों का उद्देश्य क्या है? देखिए नीलम जी, सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि ये जो हमने बैनर बनवाया है इसके पीछे हमारी सोच क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है। और जैसा कि हमने जो है इसमें जो विषय लिखा हुआ है विश्व अशांति निवारण अभियान, तो विश्व अशांति निवारण अभियान ये अपने आप में लोगों को चौंकाने वाला एक विषय है। लोगों को ये सोचने में मजबूर करता है कि सभी लोग तो शांति की बात करते हैं, पीस की बात करते हैं, हैप्पीनेस की बात करते हैं और हम अशांति की बात कर रहे हैं और उसके निवारण की बात कर रहे हैं। तो ये समझने वाली बात है कि बुद्ध से पहले जितने भी यहाँ पर संसार प्राणी हुए, ऋषि मुनि हुए, सभी लोगों ने जो है स्वर्ग की कल्पना की, स्वर्ग की आस की, सुख की खोज की और मतलब जो है कि वो सुख की चाहत में जो है हमेशा लगे रहे, अप्सराओं को खोजा, स्वर्ग को खोजा, सुख को खोजा, लेकिन सुख को, स्वर्ग को और अप्सराओं की खोज में लगे रहने के बाद उन्हें मिला क्या? उन्हें बार बार दुख ही मिलता रहा, किसी को भी सुख नहीं मिला। लेकिन बुद्ध ने जो है वो उसको जांचा और देखा, उन्होंने भी प्रयास किया कि सुख कैसे खोजाया जाए, लेकिन सुख को क्योंकि डिफाइन नहीं कर सके वो जाए, तो सुख को अगर डिफाइन नहीं कर पाएंगे, जिस चीज़ को हम डिफाइन नहीं कर पाते संसार में, तो उसको खोजेंगे कैसे? हमें पता ही नहीं कि हमें किसे खोज रहे हैं, उसका आकार क्या है, रूप क्या है, रंग क्या है, उसको जो है कैसे जाने कि उस चीज़ को खोजना है। तो इसीलिए जो है बुद्ध ने देखा कि सुख को डिफाइन किया जाता है लेकिन दुख को डिफाइन किया जाता है। उसको दुख को डिफाइन करते हुए बुद्ध ने कहा कि जाति भी दुखा, जरा भी दुखा, व्याधि भी दुखा, मणा भी दुखा, शोक परिदेव दुमरस्यु पाया सापी दुखा, पिए ही विपियोगो दुखो, अपिए ही संपियोगो दुखा, जम पी छंगने लपति तम्पी दुखंग, संख्यतेन पचुपादान खंदापी दुखा। यानी कि जन्म दुख है, व्याधि दुख है, रोग दुख है, बुढ़ापा दुख है, मरना दुख है, जो चीज़ें हमें चाहते हैं वो नहीं मिलती है तो हमें दुख होता है, प्रियजनों का बिछुड़ना दुख है, अप्रियजनों का मिलना दुख है। तो इस तरह से कुल मिलाकर ये जो हमारा शरीर है ये दुखों का घर है। दुखों का घर इसलिए है कि हर एक प्राणी जो है सुख ही सुख चाहता है और जैसे ही उसे जो है थोड़ा सा सुख उसको मिलता है तो उसको भोगने लगता है, वह भूल जाता है कि इस सुख के बाद, इस सुख को भोगने के बाद उसे फिर दुख में पड़ना है और वो अपने जीवन से कभी भी दुखों को दूर नहीं कर पाता। इसीलिए बुद्ध ने इस बात को जाना और बुद्ध ने जो है सबसे पहले जो जीवन में दुख हैं उनको ढूंढा और उनका नाश कर दिया, बिल्कुल ख़त्म कर दिया उनको। फिर जब दुख का नाश हो जाता है तो उसके बाद क्या रह जाता है? उसके बाद रह जाता है सुख। तो फिर सुख मिलता है और बुद्ध को वही परम सुख यानी निर्वाण प्राप्त हुआ। इसी तरह से हमने सिर्फ बिल्कुल बुद्ध के पदन चिन्हों पर चलते हुए हमने जो है विश्व अशांति निवारण अभियान रखा। हमें अशांति खोजनी है कि वो अशांति के एरियाज कौन से हैं, अशांति के क्षेत्र कौन से जहाँ जहाँ अशांति है, और जब हमें अशांति के क्षेत्र मिल जाएंगे तो हमें ये खोजना पड़ेगा कि अशांति का कारण क्या है। कारण मिल जाएगा तो उसका निवारण भी होगा, फिर उसका जो है एक मार्ग भी है,
तो उस पर चल के हम जो है अशांति जो मिटा देंगे तो विश्व में जो शेष रह जाने वाली चीज़ रहेगी वो शांति रहेगी। इसलिए अगर हमें शांति को खोजना है तो हमें शांति को नष्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए विशेषकर बहुत सारे ऐसे स्लोगन इस बैनर पर लिखे गए हैं, और इस बैनर पर आपने देखा है कि जो अलग अलग महान पुरुष है उनकी जो तस्वीरें हैं वो भी लगाने का काम किया गया। और इस धम्म कारवा की जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, क्योंकि हम देखते हैं कि अक्सर किसी भी कारवा में जो लोग होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पर कितने खूबसूरत छोटे छोटे बच्चे इस धम्म कारवा का हिस्सा बने हैं, जो कि पंचशील ध्वज यात्रा है। तो देखिए जिस तरह से बच्चों के हाथों में आपको दिखाई दे रहे होंगे, सहनशील बनो, कुछ इस तरह के जो छोटे छोटे स्लोगन है जो कि बहुत बड़ा संदेश देते हैं। अगली कड़ी में आप देख सकते हैं कि लोभ व लालच को दान से जीत लो, और देख सकते हैं उसी अगली कड़ी में जिस तरह से आपको ये पट्टी दिखाई देगी कि क्षमा करना सीखो। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर जो लिखी गई है कि निंदा और प्रशंसा में समता बनाए रखें, क्योंकि देखिए जब हम किसी की प्रशंसा करें या निंदा करें तो उसमें हमारा समान एक समतावादी दृष्टिकोण होना चाहिए, ना तो हमें ज़्यादा द्वेष पालना चाहिए और ना ही किसी के प्रति इतना लगाव रखना चाहिए। देखिए हमें दोनों चीज़ें समता में रह के करनी चाहिए, ना तो किसी से ज़्यादा द्वेष पालना चाहिए और ना ही किसी के प्रति बहुत ज़्यादा मोह रखना चाहिए। अगली कड़ी में आप देख पाए होंगे कि अपने दोषों को देखना शुरू करो, दूसरों के दोषों को देखना बंद करो। अगर मैं आज के वर्तमान युग की बात करूँ, लोग आज अपने दोषों को तो बहुत कम देखते हैं लेकिन दूसरों पर बहुत ज़्यादा दृष्टि रखते हैं, उनमें कमियां निकालने का काम करते हैं। तो देखिए इस खूबसूरत मंजर को लगातार मैं बात कर रही हूँ कि इस मंजर का जो हिस्सा है आज छोटे छोटे बच्चे भी बने हुए हैं, चाहे वो बेटी हो या बेटा हो। अब देखिए और अभी जिस तरह से पंचशील के जो ध्वज हैं हवा में लहरा रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत ये मंजर। और दोबारा से वो समय याद आ रहा है जिस समय हम देखते कि महाकाणिक तथा बुद्ध के समय या सम्राट अशोक के समय, जो पूरा भारत तक कहीं ना कहीं वो पूरा बोधमय था और हर कूचे गली से एक ही आवाज़ सुनाई देती थी कि ले अंत मन दीप भव, मूल मंत्र बने स्वयं के स्वामी, गूंज उठे हर बस्ती से बोधं शरणं गच्छामि। तो कुछ इस तरह का खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पर। और यहाँ पर गाँव के ही बहुत सारे लोग हैं, खासकर महिलाएं हैं, उनसे जुड़ने का प्रयास करें। आपका नाम क्या है? भारती। हाँ भारती जी, कहाँ से आए हैं? हम चांदपुर से आए हैं, बुलंदशहर से। चांदपुर से आए, अच्छा इतनी दूर से, कितना दूर पड़ा आपको ये? ये हमें पड़ा कम से कम 45-50 के आसपास मीटर दूरी पर पड़ा है। अच्छा, इस कार्यक्रम की सूचना कैसे मिली आपको? ये हमें हमारे हस्बैंड इनसे जुड़े हुए हैं, उन्होंने फेसबुक पे देखा, उन्हें मैसेज मिला और हमने बहुत ही मन से बहुत खुशी से आए यहाँ पे कि हमें ये मौका मिला यहाँ आने का और इस चीज़ में भाग लिया हमने। जी, आपके हाथ में छोटा सा बच्चा है, इसको लेकर 4-5 किलोमीटर पैदल चलना है, गर्मी भी काफ़ी है, धूप भी है, तो चल पाएंगे? बिल्कुल, जब हम बाबा साहब के लिए हम कुछ भी करेंगे, जब उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ करा है तो हमारा पूरा कर्तव्य पूरा फर्ज बनता है उनके लिए कुछ करने के लिए, उनके पथ पर चलने के लिए। तो आज इस कारवा को देखते हुए कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत मनोविज्ञान हमारा बड़ा, अंदर से बहुत खुशी हो रही है हमें। हमारे बच्चे आए हैं साथ में, हमारे हस्बैंड भी, और ये 4 महीने की बेबी है, कोई कह नहीं सकता है, बट इसे भी बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुश हो रही है। तो देखिए माँ की भावना है बच्चे के प्रति कि 4 महीने के मात्र, लेकिन उसके बावजूद भी धूप भी है, गर्मी भी है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मन में एक हर्षो उल्लास, और 45 किलोमीटर की यात्रा तय करके इस धम्म कारवा को सफल बनाने के लिए लोग यहाँ पर आए हैं। आपका नाम क्या है? गायत्री। कहाँ से हैं? हिसोटी। हिसोटी से। तो गायत्री जी, इस तरह का कार्यक्रम पहले हुआ है गांव में या पहली बार हो रहा है? नहीं, पहली बार। पहली बार हो रहा है, तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। तो कल को रात को आप कैडर में थे, कल कैडर हुआ था एक, मतलब रात को एक मीटिंग हुई थी उसमें हते हते, तो उसमें बहुत सारी बातें हो रही थी, तो वहाँ पर जो बातें हो रही थी कैसी लग रही थी आप लोग? बढ़िया लग रही, हमें तो अच्छी लग रही थी। तो मतलब बदलाव चाहते अपने गाँव में? हाँ, बदलाव भी चाहते हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं महिलाएं भी बदलाव की तरफ पड़ रही है और बदलाव चाहती हैं, और इस तरह का जो कार्यक्रम, वो बता रहे कि पहली बार हमारे गांव में इस तरह का कार्यक्रम हुआ है, जो कि एक खुशी का विषय भी है इन लोगों के लिए, क्योंकि इस तरह के कार्यक्रमों में आने का मौका इन लोगों को मिलता नहीं था। और मैं लगातार बात कर रही हूँ कि महिला बच्चे हर वर्ग आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। बेटा नाम क्या है? दिव्या भारती। दिव्या भारती, पढ़ते हो? कौन सी क्लास में? 9th में आई हूँ। 9th में, अच्छा बेटा कहाँ से आए हो? हिसोटी से। हिसोटी से। तो ये बताओ आज जो एक कार्यक्रम हो रहा है कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। ये हाथ में किस कौन सा झंडा है? पंचशील। पंचशील का झंडा है, जानते हो झंडे के बारे में? हाँ, भगवान बुद्ध। अच्छा, तो इस पंचशील में 5 रंग दिखाई दे रहे हैं आपके, इन रंगों के बारे में कुछ पता है आपको? मैम अभी इतनी जानकारी नहीं है, आगे और देखेंगे। अभी जानकारी? अच्छा, ये जानना चाहूंगी कि इस तरह के कार्यक्रम पहले आयोजित हुए हैं या पहली बार ऐसा कार्यक्रम हो रहा है? और बार होता था लेकिन गांव में ही होता था, इतनी दूर नहीं आते थे। मतलब ये जो यात्रा निकल रही है पहली बार निकल रही है? हाँ। तो अच्छा लग रहा है? हम्म। तो अभी 4-5 किलोमीटर पैदल चल रहा है, चल पाओगे? हम्म। थकोगे तो नहीं? नहीं।
तो देखिए मन में उत्साह है और 4-5 किलोमीटर की यात्रा तय करने के लिए भी तैयार है और भी बिटिया है यहाँ पर, उनसे जुड़े। आपका नाम क्या है? मोनिका। मोनिका क्या करते हो? मैं अभी बीए कर रही हूँ, पढ़ाई कर रही हूँ। बीए कर रहे हो, तो जानना चाहूंगी आज जो एक कार्यक्रम हो रहा है आपके गांव में, पहले तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को ये बताने का प्रयास करें कि कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। तो इस तरह के कार्यक्रम पहले आयोजित हुए हैं? पहली बार ऐसा कार्यक्रम? पहली बार हो रहा है। तो क्या कुछ नया सीखा? मतलब नया तो ये है कि अच्छा लग रहा है, पंचशील ध्वज लेके और पूरी रैली निकाल रहे हैं, लोगों को जागरूक करेंगे, इसकी देखेंगे तो लोग जागरूक होंगे। अच्छा, गांव का जो माहौल है कैसा है? महिलाओं को, जो खासकर बेटियां हैं, उनको समानता देते हैं या सिर्फ खाली बातों में ही होती है? बातों में ही है, कुछ भी नहीं देते समानता। अच्छा, कुछ भी नहीं देते। बाबा साहब अक्सर समानता की बात करते थे और महाकाणिक तथागत बुद्ध ने जिस तरह से अपने उसमें भिक्खु संघ में भिक्खुओं को भी शामिल किया, तो क्या ऐसा है गाँव में कि बेटा बेटी एक समान समझा जाता हो? बिल्कुल भी नहीं समझा जाता, सच में बिल्कुल भी नहीं समझाता। तो आप पढ़ रहे हो तो इन चीजों का विरोध करते हो? जो हाँ, विरोध करते हैं, हम अपने घर में भी करते हैं तो आगे भी करेंगे। अच्छा, घर वालों का नजरिया कैसा होता है? मतलब थोड़ा गुस्सा तो आता है, लेकिन फिर अगर हम जब जिद ज़्यादा करते हैं तो मान भी जाते हैं कभी कभी। अच्छा, मान जाते हैं। देखिए सही बात को मानने में बुराई नहीं है। आपका नाम क्या है? गीता कुमारी। अच्छा, गीता कुमारी, जानना चाहूँगी क्योंकि इस तरह के कार्यक्रम हम बहुत सारे सोशल मीडिया से होते देखते थे, आप लोग भी देखते होंगे क्योंकि यूट्यूब आज एक ऐसा माध्यम हो गया जिसके माध्यम से हमें दूर दराज की खबरें मिलती हैं, लेकिन पहली बार आपके गाँव में इस तरह का कार्यक्रम हो रहा है, क्योंकि लोग लगातार बता रहे हैं कि पहला ही बार ऐसा कार्यक्रम हो रहा है, तो ये बताओ कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बता भी नहीं सकते कि आज हम कितने खुश हैं, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। यस। अच्छा, ये जानना चाहूंगी आपके गांव में, क्योंकि अभी जिस तरह से हम चर्चा कर रहे हैं 2-4 दिनों से देख रहे हैं, लोग अभी बुद्धिज्म की तरफ नहीं आ रहे, लेकिन आज सबके हाथों में पंचशील के झंडे, तो क्या हिंदू धर्म को छोड़कर बुद्धिज्म की तरफ बढ़ेंगे? शायद लगता तो है आज का ये प्रोग्राम देखे कि मतलब लोग बौद्ध धर्म की ओर बढ़ेंगे, लेकिन वो है ना, जो हमारे पूर्वज हैं वो तो पुराने रीति रिवाजों को लेकर बैठे हुए हैं, लेकिन नई पीढ़ी का तो ये दायित्व बनता है ना, वो समझ गई है वैज्ञानिक सोच के आधार पर। ये नई पीढ़ी का दायित्व बनता है कि ये नए जो लोग हैं, इस खास करके बेटियां ही इस नई पीढ़ी को आगे बढ़ा सकती हैं, क्योंकि उनके हाथ में होता है ना घर चलाना, तो वो ही कर सकती हैं। बिल्कुल। तो देखिए जिस तरह से अभी कहा है कि बेटियां अच्छा घर चला सकते हैं, महिलाएं अगर हम बात करें तो बहुत अच्छे तरीके से परिवार को हैंडल कर लेती है, इसी तरह से अगर हम देखें सामाजिक या धार्मिक आंदोलन में अगर महिलाएं सक्रिय भूमिका निभाए तो वो भी कहीं ना कहीं बढ़ चढ़कर उस कारवा को सफल बना सकती हैं। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं। बेटा नाम क्या है? अक्षय कुमार। पढ़ते हो? हाँ। कौन सी क्लास में? 4th। अच्छा, आज यहाँ पर क्यों आए हो? आज रैली निकल रही है यहाँ पर, ये खुशी के लिए आए। रैली निकल रही है, तो ये रैली कैसी लग रही है? बहुत अच्छी लग रही है। बहुत अच्छी लग रही है। आपके गले में ये कौन सा पटका है? पंचशील। पंचशील का है, और ये झंडा? पंचशील। पता है आपको? हाँ। अरे वाह, बहुत अच्छे बच्चे हैं। देखिए इन्हें जानकारी है कि पंचशील का पटका है, पंचशील का ध्वज है, तो आप देखिए इस खूबसूरत मंजर को। मैं आपको थोड़ा सा और पीछे तक दृश्य दिखा दूँ, और इस खूबसूरत मंजर के साथ में लगातार मैं आपको अवगत करा रही हूँ कि हम अभी वर्तमान में जिस तरह से बुलंदशहर जिला उत्तर प्रदेश गांव हिसोटी, अभी हिसोटी तो नहीं है ये, उससे पहले दाऊदपुर का पुल है वो पड़ता है, और ये गांव भी है, और यहीं से चलकर जो ये पंचशील ध्वज यात्रा है ये हिसोटी गांव पहुंचेगी, जिसमें कि बीच में 2 गांव पड़ेंगे, उनको क्रॉस करते हुए तीसरा गांव हिसोटी है, वहीं पर इस यात्रा का समापन किया जाएगा। और भी लोग हैं मेरे साथ में, और खासकर मेरे साथ में यहां पर अनिल जी हैं, अनिल जी से भी जुड़ने का प्रयास करूंगी। अनिल जी, जानना चाहूंगी इस तरह का कार्यक्रम धम्मपद ट्रस्ट ने किया है, तो ये विचार और किस तरह से आया कि ऐसा कार्यक्रम किया जाए? पूरे दुनिया में शांति की बात सब लोग करते हैं, और शांति शांति सब लोग लाना चाहते हैं, कोई ये नहीं कहता है कि अशांति को खत्म किया जाए। ये पहला कार्यक्रम है पूरे भारत में जहां पर ये अशांति निवारण की बात हो रही है। जब अशांति खत्म हो जाएगी तो शांति तो अपने आप आ जाएगी। तो ये बुद्ध का जो सील है, बुद्ध का धम्म है, वो यही कह रहा है कि 5 चीजें ना करो, बाकी सब कुछ करो। जैसे चोरी ना करो, झूठ ना बोलो, नशा ना करो, व्यभिचार ना करो, और जीव हत्या ना करो, बाकी सब कुछ करो। तो अगर ये 5 चीजें इंसान ना करे तो उसका जीवन सुखमय हो जाएगा। तो ये कार्यक्रम का नाम है विश्व अशांति निवारण प्रोग्राम है, और जब अशांति खत्म हो जाएगी तो शांति आ जाएगी भारत में। और ये हिंसोटी गांव में ये कार्यक्रम हो रहा है, और देखिए इसमें महिलाएं, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, बच्चियां, यंग, नौजवान, बुजुर्ग, सब लोग, गांव वाले सब लोग इकट्ठे होकर के और शांति से चलेंगे। सिर्फ कहेंगे बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, कहते हुए चलेंगे, शांति का संदेश देंगे। जय भीम, जय भारत।
बहुत बहुत साधुवाद अनिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बाबूजी भी मेरे साथ में। बाबूजी नाम क्या है? राजवीर सिंह है जी मेरा नाम। राजवीर जी यही गांव में रहते हैं? हाँ जी। कौन से गांव से हैं? हिसोटी से। अच्छा, हिसोटी से। तो जानना चाहूंगी इस तरह के जो कार्यक्रम हो रहे हैं तो इनसे आप लोग खासकर गाँव के लोग क्या प्रेरणा लेंगे? हमें इससे चोरी नहीं करना, ईमानदारी से बात करना और आदि आदि बहुत सी बातें होती हैं, जैसे किसी के साथ घृणा नहीं करना, प्रेम से रहना, संगठन में काम रहना आदि, ये सब बातें होती हैं जी। तो देखिए गांव के लोग भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों को जानते हैं, समझते हैं कि किस तरह से हमें करुणा मैत्री भाईचारे का संदेश देते हुए एकजुट होकर एक साथ रहना है। यहाँ पर यूथ भी है, उनसे भी जुड़ने का प्रयास करेंगे। आपका नाम क्या है? लोकेश। लोकेश क्या करते हैं अभी? मैं स्टडी कर रहा हूँ। स्टडी करो, क्या स्टडी करो? 10th क्लास में हूँ। अच्छा, 10th क्लास में हो। तो पहले ये बताएं हमारे दर्शकों को जिस तरह से आज यहाँ पर इस धम्म यात्रा का कार्यक्रम क्या है, खासकर जो पंचशील ध्वज यात्रा है ये निकाली जा रही है, तो कैसा लग रहा है? ये बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब हमारे मतलब गाँव में ये पहली बार हो रहा है, लेकिन मतलब बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे और भी गाँव देखेंगे और वो भी जागरूक होंगे लोग कि उनके गाँव में मतलब ये हुआ था जी। तो क्या लगता है इस तरह के कार्यक्रमों से परिवर्तन आएगा लोगों में? जी बिल्कुल आएगा, लेकिन बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि इस तरह की यात्राएं निकलती रहती है, कोई परिवर्तन नहीं आता, तो आप क्या कहेंगे इस पर? जी नहीं, ऐसी मतलब इस तरह की नहीं निकलती हैं, ये पहली बार निकल रही है हमारे यहाँ पर और हमारे एरिया में भी पहली बार निकल रही है ये, तो यहाँ पर बहुत परिवर्तन आएगा इससे। तो देखिए कहीं ना कहीं युवा भी बता रहे हैं कि इस तरह की यात्राएं कभी नहीं निकली है हमारे यहाँ पर और पहली बार इस तरह की यात्राएं निकल रही है, तो बहुत बड़े स्तर पर परिवर्तन आएगा। तो साथियों हमारे साथ लगातार बने रहिएगा और पल पल की खबरें दिखाने के लिए मैं अभी आपके साथ में पूरा दिन इस कार्यक्रम को लाइव टेलीकास्ट करूंगी और आपको रिकॉर्डिंग के माध्यम से भी दिखाऊंगी। लेकिन मैं चाहूंगी कि अभी तक आपने एनबी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, उसकी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि ये कारवा आपको कैसा लगा।